और एक बार फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को कोलकाता के आगे नतमस्तक होना पड़ा। विराट कोहली की बल्लेबाजी तो शानदार रही, लेकिन बावजूद उसके कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने आसानी से मुकाबले में जीत हासिल कर ली। इसके बाद पाकिस्तानी दिग्गजों ने भी अपनी जुबान खोली। विराट कोहली और आरसीबी को लेकर कुछ ऐसा कहा है जिसे सुन आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बताते हैं क्या है पूरी खबर। लेकिन अगर आप भी विराट की बल्लेबाजी से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। कप्तान डुप्लेसिस 8 रन बनाकर आउट हुए तो विराट कोहली ने ग्रीन के साथ मिलकर आक्रामक बल्लेबाजी करी। 59 गेंद में 83 रन की पारी विराट कोहली ने खेली, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। तो ग्रीन ने भी 21 दिन में 33 रन का योगदान दिया और मैक्सवेल ने भी 28 रन बनाए, जिसके चलते 182 रन बेंगलुरु में बनाए थे। जवाब में कोलकाता की शुरुआत काफी खतरनाक रही। सुनील नारायण और साल्ट की बल्लेबाजी ने धागा खोल कर रख दिया था। पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया। सिर्फ 22 गेंद में 47 नारायण ने बनाई, साल्ट ने 20 गेंद में 33। बता दे कि 12 ओवर में लगभग 135 रन टीम का स्कोर हो चुका था। वेंकटेश अय्यर भी 19 गेंद में 34 पर बल्लेबाजी कर रहे थे और उनके साथ अय्यर दे रहे थे बड़े ही आसानी से। कोलकाता की टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया। बता दे उसके बाद 3 विकेट खोकर आसानी से कोलकाता की टीम ने 19 गेंद से रहते ही अपनी टीम को इस मुकाबले में जीत दिला दी। वहीं आरसीबी की हार के बाद शोएब अख्तर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, विराट कोहली ने अपने बल्लेबाजी से शायद मेरा भी दिल जीत लिया, लेकिन मुझे लगता है कि वह अकेले टीम को चैंपियन नहीं बना सकते। उनके साथ देने वाला कोई टीम में है ही नहीं। जो बड़े नाम है वह परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, इसमें विराट कोहली को कोई भी ब्लेम नहीं करेगा। सारा कसूर टीम के दूसरे खिलाड़ियों का है जो कुछ एफर्ट दे ही नहीं पा रहे हैं। शाहिद अफरीदी ने भी इस बीच बयान जारी करते हुए साफ तौर पर कहा कि आरसीबी की टीम के ऊपर कोई ग्रहण लगा हुआ है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह टीम कभी भी चैंपियन बन पाएगी। कभी भी टीम के सभी खिलाड़ी एकजुट होकर खेलते ही नहीं है। विराट कोहली अकेला क्या कर लेगा, वह हर मुकाबले में रन बना रहा है, लेकिन कभी गेंदबाजी से टीम हार रही है तो कभी बल्लेबाजी से हार रही है। ऐसे अगर विराट को कोई ब्लेम करेगा तो यह ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन और डुप्लेसिस जैसे खिलाड़ी पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो रहे हैं। कामरान अकमल ने भी कहा कि विराट कोहली मुझे लगता है बेंगलुरु की टीम के लिए ठीक नहीं है, किस्मत उनके साथ कभी नहीं दे रही है। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने भी अब इस मुकाबले में उन्हें हरा ही दिया, इसलिए बेहतर यह है कि विराट कोहली को किसी दूसरी टीम से खेलना चाहिए। इससे उनका ट्रॉफी जीतने का सपना भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि वह अकेले टीम को जीत नहीं दिला सकते। इस मुकाबले के बाद यह पता चल गया है उनकी बल्लेबाजी अच्छी रही, लेकिन बाकी टीम की परफॉर्मेंस बिल्कुल शर्मनाक। इस तरह से पाकिस्तान अपनी बात कही, लेकिन आप सभी इस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताएं।